आप लोग बैठ जाइए, जरा मीडिया वाले बैठ जाए, कुछ नहीं। ये ईवीएम के कारण भाजपा जीती, ये आरोप लगाने वाले हैं। 400 पार कराने का है, जमीन के अंदर सिमटने वाले, अखिलेश जी की जान भी नहीं होने वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया के बिल्थर रोड विधानसभा में मौजूद हूं और सलेमपुर यह लोकसभा क्षेत्र है। आज यहां खास बात यह रही कि आप हमारे पीछे जो देख सकते हैं, जो स्टेज लगा हुआ है, जनसभा हुई है देश के जो है गृह मंत्री अमित शाह जी की, जो कि अभी अभी थोड़ा देर पहले यहाँ से जो है गए हैं, और उन्होंने आते ही जो है माइक पकड़ा, और माइक पकड़ा जो है समर्थक जो है काफी उत्साहित थे। समर्थक जो है कुछ जो बैरिकेडिंग थे, बैरिकेडिंग एरिया में आ रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे, तो उन्हें जो है डाटा और फटकारा। पहले जो है आप वीडियो में देखें, उसके बाद उन्होंने जो मीडिया गैलरी जो बनी हुई थी, मीडिया गैलरी में पत्रकार बंदी खड़े थे, उन्हें जो बैठने का इशारा किया, फिर जो है अपनी बात शुरू की, और चिरपरिचित अंदाज में जो है आज उनका जो है भाषण, जैसा कि आप जो है हमेशा जो है देखते रहे उनकी जनसभाओं में, ऐसा ही यहाँ पर भी जो है देखने को मिला। जहां बीजेपी 400 के पार जो सीटें जो है जीतेगी, 400 सीटों का जो है वह आंकड़ा इस सातवें चरण में बलिया से जो है वो पूरा करेगी, वही जो है इंडिया गठबंधन को 40 सीटें देने की बात ही कही, और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है यहां से, उनको जो है 4 सीट भी मिलती हुई नहीं दिख रही, ऐसा जो है कहना जो है अमित शाह। अखिलेश जी की जान भी नहीं होने वाली। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, क्या हुआ? अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। के जो है पूरे भाषण के दौरान युवाओं के लिए न ही किसी तरह की रोजगार की बात की, नौकरी की बात की, न महंगाई की तरह की चर्चा हुई। हाँ, यह जरूर था कि भारत पाकिस्तान पर जो चर्चा है उन्होंने किया, आतंकवाद पर चर्चा की, कश्मीर पर चर्चा की, पाक अधिकृत कश्मीर पे उनकी बात रही, और जाते जाते उन्होंने जो मुस्लिम आरक्षण की भी बात कर डाली, कहा कि धर्म के आधार पर जो हम आरक्षण लेने नहीं देंगे जब तक जो है संसद में वह रहेंगे। तो कुल मिला के जो उनकी सभा थी, उनका जो भाषण था, इसी इन्हीं सब बिंदुओं पर रहा। उन्होंने जो सरकार की उपलब्धियां हैं वह भी गिनाई। आप जो देखें उनके द्वारा जो क्या कुछ बताया गया कि सरकार के द्वारा जो है कौन कौन से जो है कार्य किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो मुद्दा बनता जा रहा है, जो युवाओं का जो रोजगार को लेकर जो मुद्दा है, नौकरी को लेकर जो मुद्दा है, उस पर एक बार भी चर्चा जो है अमित शाह के द्वारा नहीं की गई। तो अमित शाह की रैली में जहां आप देख रहे हैं व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो इसमें जो है महिलाओं के लिए व्यवस्था, बगल में जो पुरुष के लिए व्यवस्था की गई थी, अमूमन जो है पुरुष से अधिक जो है कहीं महिलाओं की तादाद जो है यहां देखने को मिली। तो अमित शाह जी की सभा आज सलेमपुर लोकसभा में हुई है, और 1 जून को जो है मतदान है, 4 तारीख को नतीजे आए हैं। हाँ, और जाते जाते मैं बता दूँ कि अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज किया और कहा कि जब 4 तारीख को 4 बजेंगे तो वह ईवीएम का रोना रोएंगे। भारत मीडिया के ओपी सिंह के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।